तो दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI जिसकी चर्चा हर तरफ है, और आप अगर AQI को देखेंगे तो कहीं पर भी आपको 300 से नीचे तो ये AQI नज़र नहीं आएगा, बल्कि कई जगह पर तो इसने 500 के आंकड़े को भी टच किया है या 500 के ऊपर भी कई जगह AQI दर्ज किया गया है। तो अब सख्त पाबंदियाँ हैं, आप एक तरीके से देख रहे हैं जो GRAPE 3 है यानी कि ग्रेप का जो थर्ड स्टेज है उसको भी लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार अगर एक तरह से आप देखेंगे तो ये जो पोल्यूशन है उस पर किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल होता हुआ दिख नहीं रहा है, बल्कि ये पोल्यूशन अभी और ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो क्यों दे रहा हूँ, और सख्ती और ज़्यादा बरतने पर केंद्र की ओर से इनकार क्यों किया गया है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि पंजाब और हरियाणा अगर दोनों जगहों पर आप देखें तो यहाँ पर कई ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आई कि पराली जल रही हैं बहुत ज़्यादा। पंजाब के अंदर ये केसेस काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट किए गए हैं, हरियाणा में अगर आप उसका तुलना करेंगे तो ये कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है, और ऐसे में जो वायु गुणवत्ता है वो लगातार ख़राब हो रही है। पराली की जो घटनाएँ हैं वो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ी हैं, और पंजाब के अंदर ये जो आंकड़ा है वो कहीं ज़्यादा दिखता है। लेकिन दिल्ली NCR में जो और सख्त प्रतिबंध लगने चाहिए उस पर केंद्र की ओर से इनकार किया गया है, और इसको लेकर के केंद्र सरकार ने GRAPE 3 के सख्त उपायों को लागू करने से इनकार कर दिया है। केंद्र का कहना है कि AQI में पहले से सुधार दिख रहा है और इसलिए GRAPE 3 के तहत केवल एक दिन पहले ही कड़े उपाय लागू किए गए हैं। दिल्ली में AQI में पहले से सुधार है। बता दें कि 0 से 50 के बीच में AQI का जो स्तर है उसको अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच में स्तर को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में स्तर को ख़राब, और 201 से 300 के बीच के स्तर को ज़्यादा ख़राब, 400 और फिर 500 के बीच का स्तर जो होता है वो बेहद ख़राब माना जाता है। और इसलिए केंद्र का भी ये इस पर कहना है कि ये इस बात सही है कि राजधानी दिल्ली के आसपास यानी कि जो पूरा NCR का इलाका है वहाँ पर AQI ख़राब है, लेकिन अगर आप पिछले दिनों से तुलना करेंगे तो उसमें कुछ सुधार थोड़ा सा दिख रहा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा भी सख्ती बरतने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।